स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय जेडी सर। तो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था अबाउट द रेक्टिफायर एंड द हाफ वेव रेक्टिफायर्स। इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड द ब्रिज वेव रेक्टिफायर्स। तो फर्स्ट थिंग्स, पिछले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। द ड्रॉबैक्स ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर्स क्या थे एंड व्हाई वी आर नीडेड द फुल वेव रेक्टिफायर्स। द थिंग इज इट इज द एफिशिएंसी less than the 50% in terms of the 40.6%, and the second drawback, the more than the 50% part of the input is to be totally wasted. That's why we have designed the another circuit in terms of the full wave rectifiers. So changes kya aayenge in case of the half wave rectifier? We are using only one diode. तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज आई होगी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड था जो एट ए टाइम कंडक्ट करता था। इफ यू आर हैविंग द टू डायोड एंड वी आर जस्ट टू बी अरेंजिंग देम लाइक दैट, दे आर टू बी ऑपरेटेड, वंस इट इज टू बी इन फॉरवर्ड बायस, देन अनदर इज टू बी इन रिवर्स बायस। मतलब आप कॉम्बिनेशन को कुछ इस प्रकार यूज करें कि एक बार में एक एटलीस्ट फॉरवर्ड बायस में हो। तो अपन को जो आपके पास एक हाफ साइकिल वेस्ट हो रहा था उसमें भी क्या मिले, आउटपुट ही मिले। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट टू बी हियर हैविंग द अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ द टू डायोड्स D1 एंड D2। हियर अगेन द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, बट हियर वी आर यूजिंग द सेंट्रली टैप्ड ट्रांसफॉर्मर, बिकॉज जब अपन आउटपुट को कैप्चर करेंगे अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, देन द अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस इज टू बी सेंट्रली कनेक्टेड विद थ्रू द सेंट्रली टैप्ड ट्रांसफॉर्मर। Again, the same is to be the AC input as well as the DC outputs. Now, it is to be the circuit arrangements for the full wave rectifier. Here, it is to be the AC input, sinusoidal input diya. It is to be the straight down transformer or it is a centrally tapped transformer. It means ki ye jo load resistance connected hai, ye is aapke paas the number of the turns hai, unke center mein. It means yadi 10 number of turns hai, to ye 5-5 ko separate kare raha hai. Then it is to be the diode D1, it is to be the diode D2, and the load resistance across RL, it is to be in between the diode D1 and D2. Now we are just to be considering the basic formulations, how it is to be operated, kis tarike se operate hoga. Ye aapke paas wahi primary coils hai P1 and P2, these are to be the secondary coils S1 and S2. Now first we will talk about the again, it is to be the positive half cycle. Ki positive half cycle mein kya hoga? तो देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपके पास अगेन P1 जो होगा वो तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। P2 जो होगा वो आपके पास कैसा होगा, इट इज टू बी नेगेटिव। इट मींस इसके रेस्पेक्ट में यदि अपन देखें तो S1 कैसा होगा, पॉजिटिव, एंड S2 जो होगा वो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। नाउ एज पर द सेंट्रली टैप्ड फॉर्मुलेशन को यदि आप देखें तो यहां से फॉर्मुलेट होके अपन इसको किस रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, S1 डेज और S2 डेज। Now we are just to be considering कि there are two diodes, that's why जो आपके पास diode D1 है वो क्या होगा, जब ये आपके पास S1 किसमें है, पॉजिटिव है, और ये वाला जो नेगेटिव टर्मिनल S2 नेगेटिव, it means it is to be considered as the negative terminal। तो diode D1 जो होगा वो तो क्या होगा, ऑन होगा, या it is to be in forward bias। diode D2 जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि S2 नेगेटिव है तो पॉजिटिव को, P को अपन ने किससे कनेक्ट किया, नेगेटिव से, और N को किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से। दैट्स व्हाई फॉर्मुलेशन जो बनेंगी वो किस प्रकार की बनेंगी, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव, और उसके बाद में ये वाला जो टर्मिनल बनेगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देन D2 जो होगा वो क्या होगा, आपके पास ऑफ होगा, इट मीन्स इट इज टू बी इन द रिवर्स बायस। तो इन दोनों को यदि अपन कंक्लूड करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपके पास D1 जो होगा वो तो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, और D2 जो होगा वो क्या करेगा, इट इज टू बी नॉन कंडक्टिंग स्टेज, ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो अब आपके पास क्या होगा, आउटपुट जो मिलेगा वो ओनली किसकी वजह से मिलेगा, आउटपुट जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, D1 डायोड का आउटपुट मिलेगा। D2 की बात करें तो D2 का जो आउटपुट होगा वो इज इक्वल टू 0, इट मीन्स देर इज नो आउटपुट फॉर द D2। D2 के लिए आउटपुट नहीं होगा, तो जो आउटपुट वेवफॉर्म जो DC आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ किसकी वजह से मिलेगा, D1 की वजह से मिलेगा। इट मीन्स अपन कंक्लूड करके क्या लिख सकते हैं कि द DC आउटपुट ओनली ड्यू टू डायोड D1, DC आउटपुट जो मिलेगा वो सिर्फ किसकी वजह से मिलेगा, डायोड D1 की वजह से मिलेगा।
देन इट इज टू बी द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब जो आपके पास फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा उसमें आपके पास डायोड G1 जो होगा वो तो ऑन होगा और D2 जो होगा वो क्या होगा, ऑफ होगा. नाउ वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल. यहाँ पर अपन सेकंड किसकी बात कर लेते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल की. तो नेगेटिव हाफ साइकिल में देखिए फॉर्मुलेशंस कितनी बनेंगी आपके पास, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और नेगेटिव जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. फॉरवर्ड बायस रिवर्स में हो जाएगा और रिवर्स बायस किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड में हो जाएगा. D1 और D2 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इट मींस जो एंटायर प्लेस है उसमें D1 और D2 को आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे. When we are just to be considering the negative half cycle, तो ये negative होगा, तो ये वाला terminal जो है ये आपके पास क्या होगा, negative, तो ये positive, ये आपके पास negative और ये आपके पास positive. तो formulations कैसी बनेगी कि जब आपने P1 को किससे connect किया, P1 negative है, P2 क्या होगा आपके पास, positive. Similarly S1 आपके पास क्या है, negative, तो S2 क्या हो जाएगा आपके पास, positive की form में जाएगा. Diode D1 जो होगा वो आपके पास क्या होगा, ऑफ स्टेट में होगा, ऑफ स्टेट इट मींस इट इज टू बी इन द रिवर्स बायस. क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला पार्ट तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये टर्मिनल तो नेगेटिव हो गया पॉजिटिव. पी को किससे कनेक्ट किया, माइनस को, माइनस से, और एन को किससे कनेक्ट किया, प्लस से. तो डायोड किस में होगा, रिवर्स बायस में होगा. नेक्स्ट अपन D2 की बात करें तो D2 किस में होगा, ऑन स्टेज में होगा, इट मींस इट इज टू बी इन फॉरवर्ड बायस. तो जब ये फॉरवर्ड में होगा तो कंडक्ट कौन सा करेगा, फॉरवर्ड वाला, दैट्स व्हाई D2 कंडक्ट करेगा और D1 इज टू बी इन नॉन कंडक्टिंग स्टेज. अब आपको जो आउटपुट मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, D2 की वजह से. D1 का आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. इट मींस कंक्लूड करके लिखे तो DC आउटपुट इज ओनली ड्यू टू द डायोड D2. इसका मतलब यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो ओनली किसकी वजह से मिलेगा, डायोड D2 की वजह से मिलेगा. D1 डायोड का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होगा. तो पॉजिटिव साइकिल में तो D1 काम करेगा और नेगेटिव में कौन सा काम करेगा, D2 काम करेगा. इट मींस इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, द शॉर्टकमिंग्स जो था किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का, उसमें हाफ साइकिल वेस्ट होता था, उसको अपन ने दूसरे डायोड अरेंजमेंट से क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया. इट मींस अब यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ईच एंड एवरी साइकिल के लिए मिलेगा. नेक्स्ट द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर. तो सेम एज द हाफ वेव रेक्टिफायर्स, हाफ वेव रेक्टिफायर में अपन साइनोसोइडल इनपुट लेते थे, हियर अगेन वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग द साइनोसोइडल AC इनपुट. यहाँ पे आपने जो इनपुट दिया वो कौन सा दिया है, AC दिया. इट इज टू बी द पॉजिटिव हाफ साइकिल, इट्स नेगेटिव एंड इट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल. अब अपन बात करते हैं यहाँ पे वी आर रनिंग द टू डायोड अरेंजमेंट. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द आउटपुट ऑफ द डायोड D1. डायोड D1 के आउटपुट की बात करते हैं तो डायोड D1 फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या था, ऑफ था, इट मींस सॉरी ऑन था, इट मींस फॉरवर्ड बायस में था, तो इट इज टू बी कंडक्टिंग. तो इस स्टेज में डायोड D1 जो था वो क्या था, ऑन था, और इट इज टू बी इन फॉरवर्ड बायस. सेम अपन यदि इसी रेस्पेक्ट में अपन डायोड D2 को देखें तो फॉर्मुलेशन क्या बनेगी, D2 फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑफ था, इट मींस इसका आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो. तो यहाँ पे अपन क्या मेंशन कर सकते हैं, D2 इज इक्वल टू ऑफ और इट इज टू बी इन द रिवर्स बायस. नाउ फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, डायोड D1 जो था वो किस में चला जाता था, रिवर्स बायस में, और डायोड D2 किस में आ जाता था, फॉरवर्ड बायस में, ड्यू टू द चेंज ऑफ द पोलैरिटीज ऑफ द टर्मिनल्स. टर्मिनल्स की पोलैरिटी बदली, बदलते ही डायोड D1 और D2 की फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की कंडीशंस बदल गई. इट मींस यहां पे डायोड D1 जो है वो तो आपके पास क्या है, इट इज टू बी ऑफ, ऑफ है, इट मींस किस में, इट इज टू बी इन द रिवर्स बायस. बट डायोड D2 क्या करना स्टार्ट कर देगा, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा. इट मींस हियर द डायोड D2 इज टू बी ऑन और इट इज टू बी इन द फॉरवर्ड बायस. नाउ अगेन फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, इट इज टू बी द पॉजिटिव हाफ साइकिल. फर्स्ट पॉजिटिव के लिए जो फॉर्मुलेशंस थी यही अगेन रिपीटेटिव चलता रहेगा. इट मींस एक बार डायोड D1 ऑन होगा, D2 ऑफ होगा, दूसरी बार D1 जो होगा वो ऑफ होगा और D2 ऑन हो जाएगा. सिमिलरली थर्ड में आपके पास क्या होगा, डायोड D1 जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, ऑन हो जाएगा, इट इज टू बी इन फॉरवर्ड बायस, और डायोड D2 जो है उसका आउटपुट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. डायोड D2 इज टू बी इन ऑफ, इट इज टू बी इन द रिवर्स बायस. नाउ यदि अपन दोनों आउटपुट्स को कंक्लूड करके एक साथ कंक्लूड करें तो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 इज टू बी कंडक्टिंग. इट मींस यहां पे आपको इस फॉर्म में आउटपुट मिलेगा. नेक्स्ट डायोड D2 के लिए आपको आउटपुट मिलेगा, नेक्स्ट डायोड D1 के लिए आउटपुट मिलेगा. तो एंटायर फॉर्मुलेशन इज टू बी लाइक दिस, वी आर रनिंग द आउटपुट हियर. तो यहाँ पे आपके पास D1 जो है वो तो क्या हुआ, ऑन,
और डी टू जो है वो क्या हुआ आपके पास ऑफ। यहाँ पे आपके पास डी वन जो था वो तो क्या हो गया ऑफ हो गया, और डायोड डी टू जो था वो क्या हो गया आपके पास ऑन हो गया। सिमिलरली अगेन पॉजिटिव के लिए डी वन तो ऑन हो गया और डी टू आपके पास क्या हो गया इट इज टू बी द ऑफ स्टेट। ये आपके पास टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल है, दैट्स वाई ये जो एक्स एक्सिस होगी उस पर अपन किसको लेंगे टाइम को लेंगे। तो इट इज टू बी द ग्राफ फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर। इट मीन्स आपने जो हाफ वेव रेक्टिफायर के शॉर्टकमिंग्स थी उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर दिया। वी आर गेटिंग आउट द आउटपुट फॉर द ईच एंड एवरी साइकिल, पॉजिटिव में भी मिल रहा है नेगेटिव में भी मिल रहा है ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द डायोड डी वन एंड डी टू। एंड विद दिस हेल्प वी आर जस्ट टू बी इम्प्रूविंग द एफिशियंसी, इट इज टू बी द टू टाइम्स ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर 40.6, इट इज टू बी इक्वल टू 81.2%। इट मीन्स हियर द एफिशियंसी हैड टू बी जस्ट डबल टू द हाफ वेव रेक्टिफायर्स। यदि आपसे पूछा जाए कंपेयर द हाफ वेव रेक्टिफायर विद द फुल वेव रेक्टिफायर, तो अपन कंपेयर करेंगे किस टर्म्स में, नंबर ऑफ द डायोड्स, आउटपुट और द अरेंजमेंट्स, कि आपके पास पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट मिलता है, बट इन द केस ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर्स वी आर गेटिंग आउट द आउटपुट फॉर बोथ द साइकिल्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इन टर्म्स ऑफ द एफिशिएंसी इट इज टू बी जस्ट डबल टू द हाफ वेव रेक्टिफायर, बट अगेन इट इज टू बी अ ड्रॉबैक फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर। वी आर यूजिंग द सेंट्रली टैप ट्रांसफॉर्मर हियर, इट मीन्स आपको ट्रांसफॉर्मर को एक स्पेशल अरेंजमेंट के थ्रू सेंट्रली टैप करना पड़ता है, दैट्स वाई इट इज टू बी द ड्रॉबैक। एंड अगेन वी आर नॉट गेटिंग आउट द एंटायरली डीसी आउटपुट हियर टू इम्प्रूव द डीसी आउटपुट, कि अब जो आपको आउटपुट मिल रहा है टू आउटपुट जो भी कौन सा डीसी आउटपुट उसको इम्प्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं। यदि आप इसकी एफिशियंसी को और थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहें तो वी आर यूजिंग ए फिल्टर सर्किट हियर। फिल्टर सर्किट का मतलब क्या है, आपके पास यहां पे आपने कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट यूज किया है कि इट इज टू बी योर रेक्टिफायर सर्किट। ये आपके पास क्या है रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर के साथ में आपने एक अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का, वी आर हैविंग ए कैपेसिटर हियर इट इज टू बी द सी एंड वी आर हैविंग ए रेजिस्टेंस हियर। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का आपने एक सर्किट यूज किया, इट इज टू बी द आउटपुट डीसी फॉर्मुलेशंस। यहाँ पे आप इसको इनपुट क्या दोगे, इनपुट आर टू बी इन टर्म्स ऑफ द एसी, कि आपने एक रेक्टिफायर को एसी इनपुट दिया और ये रेक्टिफायर कौन सा इट इज टू बी द फुल वेव रेक्टिफायर्स। यदि आप फुल वेव रेक्टिफायर्स के आउटपुट को और थोड़ा सा इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो वी आर यूजिंग द फिल्टर अरेंजमेंट सर्किट हियर। अब इस फिल्टर अरेंजमेंट सर्किट से देखिए फॉर्मुलेशंस क्या होगा, इट इज टू बी कंसिडर्ड एज द फिल्टर सर्किट, इट मीन्स वी आर हैविंग ए पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस एज वेल एज द कैपेसिटेंस। आरसी का एक आपके पास क्या होगा अरेंजमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ द फिल्टर सर्किट। यहां से आपके पास इंप्रूवमेंट क्या होगा, ये जो शॉर्टकमिंग्स होंगी वहां पे फॉर्मुलेशंस कुछ इस प्रकार की बन जाएगी कि ये ग्राफ एंड होने से पहले दूसरे का पॉजिटिव साइकिल क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स द रिपल फैक्टर इज टू बी इम्प्रूव्ड, रिपल फैक्टर इंप्रूव होगा तो एफिशियंसी इज टू बी इम्प्रूव्ड बाई 1 or 2% ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। तो यदि आपसे ये पूछा जाए टू इम्प्रूव द आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर, देन अपन क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द फिल्टर सर्किट टू इम्प्रूव द आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर्स। एंड द फिल्टर सर्किट इज इट इज टू बी द अरेंजमेंट ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द कैपेसिटेंस, एंड बाय विच वी आर जस्ट टू बी इम्प्रूविंग द रिपल फैक्टर्स इन टू द डीसी कंपोनेंट। तो हियर वी आर गेटिंग आउट द आउटपुट लाइक दिस, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा। ओके थैंक यू। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। इट इज ऑल्सो टू बी द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर, कि वहां पे आपको सेंट्रली टैप ट्रांसफॉर्मर यूज करना पड़ता था, दैट्स वाई हियर वी आर यूजिंग द अरेंजमेंट ऑफ द फोर डायोड्स। हियर वी आर हैविंग द फोर डायोड D1, D2, D3, D4, बट द अरेंजमेंट इज टू बी लाइक दिस, D1 and D3 आर टू बी एज ए पेयर एंड D2 एंड D4 आर टू बी कंसिडर्ड एज ए पेयर। इसका मतलब एट ए टाइम दो डायोड कंडक्ट करेंगे और दो डायोड कंडक्ट नहीं करेंगे टू इम्प्रूव द रिपल फैक्टर और द एफिशियंसी ऑफ द डायोड्स। हियर द डायोड्स आर टू बी अरेंज्ड लाइक ए व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट, जैसा अपन व्हीटस्टोन ब्रिज में अरेंज करते थे सेम वैसी फॉर्मुलेशन यहाँ पे अरेंज करेंगे। इट मीन्स फॉर द सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज टू बी द साइनोसॉइडल एसी इनपुट, वी आर हैविंग ए
transformer here, and we are having the arrangements of the diode D1, D2, D3, D4. Arrangement कुछ इस टाइप्स का होना चाहिए कि at a time आपके पास दो डायोड कंडक्ट करें और दिस डायोड आर टू बी अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक ही ब्रांच से रिलेटेड नहीं होने चाहिए. हियर द डायोड D1 और D3 का पेयर होगा, D2 एंड D4 का पेयर होगा, एंड द आउटपुट इज टू बी जनरेटेड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL. फर्स्ट वी विल कंसिडर फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल. पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फॉर्मुलेशन कैसी बनेगी, देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो अगेन द फॉर्मुलेशन P1 जो होगा वो आपके पास प्लस होगा, P2 इज टू बी इन माइनस. देन सिमिलरली आप लिखें तो S1 आपके पास कैसा होगा, प्लस होगा, और S2 कैसा होगा, इट इज टू बी माइनस. अब ये टर्मिनल आपके पास प्लस है और ये वाला माइनस है, इट मीन्स डायोड D1 और D2 क्या फॉर्मुलेशन बनेगी. डायोड D1 जो होगा वो P किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, और N किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से, दैट्स व्हाई इट इज टू बी इन द ऑन स्टेट. सिमिलरली D2 जो होगा वो आपके पास किस में होगा, ऑफ स्टेट में होगा, क्योंकि यहां से इसका प्लस और इसका माइनस, दैट्स व्हाई ये जो कनेक्ट होगा ये किससे कनेक्ट हो गया, पी टर्मिनल जो है ये पी है और ये एन है, तो ये नेगेटिव से कनेक्ट हुआ, इट इज टू बी इन द ऑफ, तो ये फॉरवर्ड में होगा और ये किस में होगा आपके पास है? रिवर्स में होगा. सिमिलरली D3 D1 के रेस्पेक्ट में होगा एंड D2 इज फॉर द रेस्पेक्ट ऑफ द D2. D4 और D2 दोनों सिमिलर चलेंगे, D1 एंड D3 दे आर टू बी वर्क आउट द इन सिमिलर फॉर्मेट्स. तो यहां से आप देखेंगे तो माइनस है, तो इट इज टू बी द एन टाइप को आपने माइनस से कनेक्ट किया, एंड द पॉजिटिव इज टू बी कनेक्टेड विद द पी, इट मीन्स D3 इज टू बी इन फॉरवर्ड बायस, D1 इज इन फॉरवर्ड बायस, D2 एंड D4 बोथ आर इन रिवर्स बायस. दैट्स व्हाई यदि अपन दोनों को कंक्लूड करें तो फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, D1 एंड D3 दोनों बोथ आर टू बी कंडक्टिंग, ये दोनों तो कंडक्ट करेंगे, एंड द D2 एंड D4 दे आर नॉट टू बी कंडक्टिंग, तो ये कैसी स्टेज में होंगे, नॉन कंडक्टिंग स्टेज में होंगे. इट मीन्स अब आपको जो आउटपुट मिलेगा वो ओनली किसके रेस्पेक्ट में मिलेगा, D1 और D3 के रेस्पेक्ट में. इट मीन्स D1 एंड D3 का तो आउटपुट आपको क्या होगा, आउटपुट मिलेगा, एंड देर इज नो आउटपुट D2 एंड D4. D2 एंड D4 की बात करें तो आउटपुट इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स देर इज अ कंडक्शन इज ओनली ड्यू टू D1 एंड D2. इट मीन्स जो आउटपुट मिलेगा इज ओनली ड्यू टू D1 एंड D3. अब देखिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि यही सेम फॉर्मुलेशन अपन फुल वेव रेक्टिफायर में करते थे, देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ब्रिज वेव रेक्टिफायर. इन केस ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर आपके पास एक ही डायोड यूज होता था, बस इस अरेंजमेंट में आपने डायोड्स को फर्दर इंक्रीज कर दिया, और डायोड को इंक्रीज करने से सर्किटरी कॉम्प्लेक्स हो गई. बट द एडवांटेज हियर वी आर नॉट टू बी रिक्वायरिंग ए स्पेशल पर्पज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर सेंट्रली टेप ट्रांसफॉर्मर, इट मीन्स उसकी पॉलिटीज को आपको कहीं ना कहीं सेकेंडरी कोयल में बार बार चेंज करना पड़ता था, यहाँ पर अपन को इस प्रकार के किसी भी फॉर्मुलेशन में चेंज करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वी आर कंसीडरिंग फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल. तो जैसा पहले भी बताया था, ये डायोड्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, P1 और P2 आपस में इंटरचेंज कर दो, S1 और S2 आपस में इंटरचेंज कर दो, D1 और D2 को आपस में, D1, D3, D2, D4 इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, D2 एंड D4 आर टू बी कंडक्टिंग, एंड D1 एंड D3 आर टू बी नॉन कंडक्टिंग. सिमिलरली यहाँ पे D1 और D2, 2 और 4 इट इज टू बी 1 एंड 3, अगेन इट इज टू बी 2 एंड 4, इट इज टू बी 1 एंड 3, एंड इट इज टू बी 2 एंड 4. देखिए फॉर्मुलेशंस कैसी बनेगी, जैसे ही नेगेटिव साइकिल आया ये वाला टर्मिनल माइनस होगा तो S1 भी क्या होगा, माइनस, इट मीन्स दिस टर्मिनल इज टू बी बिहेविंग एज ए नेगेटिव एंड इट इज टू बी पॉजिटिव. तो जब आप नेगेटिव टर्मिनल को देखेंगे तो डायोड D1 का पी टर्मिनल किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से, इट मीन्स इट इज टू बी इन द रिवर्स बायस, तो D1 किस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में, ऑफ स्टेट में होगा. सिमिलरली जो D4 होगा वो किस में आ जाएगा, ऑन में आ जाएगा, D4 फॉरवर्ड में आ गया, इट इज टू बी ऑन. देन D3 ये पॉजिटिव किससे कनेक्टेड आपके पास, एन टाइप से, दैट्स व्हाई इट इज टू बी इन द रिवर्स बायस ऑफ स्टेट, और D2 होगा वो किस में होगा आपके पास, फॉरवर्ड बायस में होगा और ऑन स्टेट में होगा. कंक्लूड करें तो यहाँ पे आपके पास D2 एंड D4 आर टू बी इन कंडक्टिंग, D1 एंड D3 आर टू बी इन नॉन कंडक्टिंग, इट मीन्स जो आउटपुट मिलेगा इट इज ओनली ड्यू टू D2 एंड D4, देर इज नो आउटपुट ड्यू टू D1 एंड D3. तो इट इज टू बी द सर्किट अरेंजमेंट एंड द वर्किंग ऑफ द फुल वेव, सॉरी ब्रिज वेव रेक्टिफायर्स. नाउ वी आर जस्ट टू बी ड्रॉइंग द आउटपुट
graph for the bridge wave rectifier. Next, the output waveform of the bridge wave rectifier. It is to be similar to the full wave rectifier. We are having a sinusoidal AC input here. It is to be the positive cycle, it is to be negative, and it is to be positive cycle. Again, see repetitive manner mein chalenge, positive, negative, positive, negative. Now we are considering first for the positive half cycle. To apne formulations dekha tha, positive half cycle mein kya formulations hota tha? D1 and D3. D1 and D3, they are to be in conducting stage. Wo dono kya hote the? On hote the. And D2 and D4, they are to be in off state. तो यहां से फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा वहां पे D1 और D3 की हेल्प से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा. देयर इज नो आउटपुट जब अपन नेक्स्ट साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल में, यहां पे कोई आउटपुट नहीं आएगा. फॉर द पॉजिटिव अगेन वी आर गेटिंग आउट द आउटपुट. तो यहां पे क्या मिलेगा आपके पास, D1 एंड D3 दे आर टू बी इन द ऑन स्टेट, इट मींस दे आर टू बी इन द फॉरवर्ड वाइज. बट हियर द D1 एंड D3 वो दोनों किसमें होंगे, दे आर टू बी इन द ऑफ स्टेट. ऑफ स्टेट में होंगे इट मींस दे आर टू बी इन द रिवर्स वाइज. अगेन फॉर द पॉजिटिव साइकिल D1 एंड D3 दोनों किसमें होंगे, दे आर टू बी इन द ऑन स्टेट और दे आर टू बी इन द फॉरवर्ड वाइज. ग्राफ इज प्लॉटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नेक्स्ट फॉर द नेगेटिव साइकिल, यदि अपन नेगेटिव साइकिल की बात करें तो फॉर्मुलेशन कैसी बनती है आपके पास, D1 एंड D3 ये दोनों तो किसमें होंगे आपके पास, ऑफ स्टेट में होंगे. और D2 एंड D4 ये दोनों आपके पास किसमें होंगे, इट इज टू बी इन ऑन स्टेट. ऑन स्टेट इट मींस दे आर टू बी इन द फॉरवर्ड बायस. तो नेगेटिव साइकिल में D1 और D3 के रेस्पेक्ट में, पॉजिटिव साइकिल में कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, देयर इज आउटपुट इज टू बी जीरो. बट हियर इन द नेगेटिव साइकिल्स देयर इज द आउटपुट ड्यू टू द D2 एंड D4. D2 एंड D4 यहां पे क्या होंगे, ऑन होंगे, और ऑन होंगे तो दे आर टू बी इन द फॉरवर्ड बायस. हियर द फॉर्मुलेशंस, देयर इज नो आउटपुट, इट मींस D2 एंड D4 they are to be in the off state. Off state it means they are to be in the reverse bias. Similarly here D2 and D4 they are to be in the reverse bias, they are to be in off state. If the final concluded, यदि दोनों को concluded करके एक final graph plot करें, तो for the positive half cycles the diode D1 and D3 are to be conducting and diode D2 and D4 are to be non-conducting. Again for the negative cycle D2 and D4 are to be conducting and D1 and D3 are to be not conducting. Here अब आप formulate कर सकते हैं D1 and D2, D3 they are to be on. Here the D2 and D4 are to be on. Here again the D1 and D3 are to be on. Rest are to be off. अब यदि आप कहीं भी compare करना चाहें दोनों formulations को, the basic advantage क्या है? Here the advantage efficiency is to be increased. Efficiency up to 86%. It means the bridge wave rectifier efficiency is to be improved with respect to the full wave rectifier. Full wave rectifier mein kitni thi? It is to be 81.2%. Here it is to be up to the 86%, or sometimes it is to be 87%. But the entire arrangements, here we are using the four diodes. At a time, two diode are to be conducting. It means they are to be in the forward bias or the on state. And the rest two diodes are to be in the off state. ध्यान सर्किट में इतना ही रखना है कि बेसिक अरेंजमेंट, जो आप कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है कि D1, D2, D3, D4 कैसे कनेक्टेड होंगे, बस इतना ध्यान रखना है कि एट ए टाइम अपोजिट आर टू बी इन कंडक्टिंग स्टेज एंड द रेस्ट आर टू बी इन नॉन कंडक्टिंग स्टेज. तो आप कैसे भी D1, D2, D3, D4 को अरेंज कर सकते हैं. तो ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे. यदि अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इन चीजों का बेनिफिट ले सके. थैंक यू.